नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI अब आम लोगों के जीवन का एक आधार हो गया है। अब सरकारी कार्य हो या फिर गैर सरकारी कार्य हो, हर जगह पर इसकी ज़रूरत होती है। ऐसे में इस आधार कार्ड को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप नामांकन पर्ची नहीं है तो आप सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपको बता दें कि UIDAI ने अपने पिछले हफ्ते देश के सभी विभागों को इसको लेकर एक जानकारी साझा किया था, जिसमें यह बताया था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सरकारी लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं से हटा दिया जाए या फिर उनके पास आधार नंबर होना जरूरी है। इधर आधार की तरफ से जारी बयान में यह बताया गया है कि देश में अब तक 99% से ज़्यादा वयस्कों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आधार का नामांकन नंबर मान्य होगा या नहीं होगा। आपको बता दें कि आधार नंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आधार में नामांकन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद आप आवेदन करते हैं तो ऐसे में अब जो है आधार की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि जब तक आपके पास आधार नंबर मिल नहीं जाता तब तक आपका आधार नामांकन ही मान्य होगा या फिर आप उससे काम चला सकते हैं। यानी कि आपको अगर कहीं आधार नंबर देना है तो ऐसी स्थिति में आप आधार का नामांकन नंबर वहां दर्ज करवा सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधार की तरफ से जारी बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 99% वयस्कों तक हमारी पहुंच होने के कारण सरकार किसी भी योजना को सीधे निवासियों तक आसानी से पहुँचा पा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई कि आधार के सुधार करने से अब लोगों को आसानी से किसी भी योजना तक पहुँचाया जा सकता है या फिर उन्हें जो है किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। आम लोगों को अब कम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ UIDAI ने यह भी कहा है कि कोई भी संस्थाएं वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन को वैकल्पिक बना सकती है। साथ ही साथ UIDAI ने यह भी कहा कि कुछ सरकारी संस्थाओं को सामाजिक कल्याण योजनाओं के चलाने के लिए उन्हें डेटाबेस की ज़रूरत होती है। ऐसे में सही व्यक्ति तक पहुँचने के लिए UIDAI उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए UIDAI का कहना है कि आप इसे एक वैकल्प के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपको बता दें कि देश में आधार कार्ड एक बार बनता है, यानी कि कल की आपके जीवन काल में भी यह आधार कार्ड जो है एक ही बार बनेगा। इसी आधार कार्ड में जो नंबर दर्शाया जाता है उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह आधार की संख्या 12 अंकों में होती है। बता दें कि इसी आधार कार्ड में आपको संबंधित व्यक्ति के बारे में माता पिता, नाम, उम्र के साथ कई तरह की जानकारियाँ साझा की जाती है। UIDAI ने अपनी नई सुविधाओं में विस्तार किया है, जिसके तहत हमने देखा कि वर्चुअल आइडेंटिफायर जैसी सुविधा दी जाने लगी है। साथ ही साथ ऑनलाइन प्रमाणीकरण या फिर EKYC के तहत आधार संख्या बदलने की बात जो है अब कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब 16 अंकों का वर्चुअल ID नंबर इस्तेमाल में आने वाला है। हालांकि यह भी कहा गया है कि वर्चुअल ID वैकल्पिक सुविधा के रूप में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बात जो निकल कर सामने आई उसमें यह कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब जो है आपको आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। अगर आधार नंबर नहीं है, आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास जो है आधार का नामांकन संख्या आपके पास होगा, उसके बाद जो है आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे आधार से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।